ध्यान की वीडियो बना के भेज भैया। हाँ और फिर तुम बता दें बढ़िया तो ध्यान सही होगी आपको। आपका नहीं आया था सर? मेरा आया, मेरा आया कि नहीं? आपका आ रहा पानी जी पूरा विधवत तुम गोंडा में देखे चाची तो ले जा स्पिनर ले लो अब लो सर नीचे देखो अब नीचे काम कर रहा कैसे रहा कैसे मतलब 2:30 बजे ये हुआ था सर जब ड्यूटी चल रही थी नाइट पेट्रोलिंग जी। तो पटरंगा रेलवे स्टेशन से रात में 2:30 बजे मतलब करीब 10:30 बजे निकलते हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पटरंगा के बीच में कासिम तक आते हैं जहाँ तक उनका एरिया है। अच्छा तो उसी दौरान मतलब एक ट्रेन गुजरी अब ट्रेन का नाम नहीं मेरे को पता है वो आदमी भी हम यहाँ चले आए घर के ऊपर अभी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है वहाँ अच्छा जाते हैं। अच्छा तो करीबन जैसे वो ट्रेन निकली और कुछ कलाक किसी आवाज आई तो वो पेट्रोलिंग वाले उधर ही घूम रहे थे तो जैसे ट्रेन निकली तो वो लाइन की तरफ वापस जो है चेक करके पटरंगा वापस जा रहे थे। अच्छा उन्होंने दोनों साइड दोनों पटरी पे चलते हैं दोनों आदमी तो एक पटरी उनको ब्रेक में कराई उन्होंने टास्क मार के देखा तो उसमें करीब 3 इंच गैप हो गया था। ओके जब 3 इंच गैप देखा तो हम भी वहीं पर ड्यूटी पे ही थे जी। तो उन्होंने फटाफट मेरे को बुलाया मैं आया तो देखा एक्चुअली ज्यादा गैप है तो उनका जो सामान रखा होता है पट्टी को जोड़ने वाला जी तो वो सामान हमने कहा सामान लो और पहले PWI जो है रसोली का नंबर बताओ। उन्होंने फटाफट PWI रसोली का नंबर बताया पटरंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी बात हो गई अभी ट्रेन इधर से कोई नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की पट्टी टूट चुकी है कोई हादसा हो सकता है।